खलीज टाइम्स जो एक बड़ा मोतबर और अहम अखबार है यूएई का, दुबई, शारजा, ये जो सात रियासतें हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात में, उनकी एक स्टोरी ये है जो आप टेलीविजन पर हमें देखा, आप देखे अभी, उसमें उन्होंने बताया है कि वहाँ की बड़ी अहम कानूनी फर्म ने लिख के दे दिया है जीआईटी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि मियां नवाज शरीफ की फर्म की नौकरी चेयरमैनी और उससे पहले वो मार्केटिंग मैनेजर और वहां से तनख्वाह लेना, ये सारी इतलात दुरुस्त है और वाकयाती बात है। सबसे अहम बात जो इसमें रिवील हुई है, जो इससे पहले नहीं आई, वो ये है चौधरी साहब कि इसमें कहा गया है कि जो 10,000 दिरहम का जो मुशायरा या तनख्वाह है, अगर वो लिखी हुई हो और आप बजरिया बैंक वसूल ना कर रहे हो तो वो फर्म जो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देती है वो वहां पे ब्लैक लिस्ट हो जाती है। और दूसरी बात, दूसरा जो मेरे सामने खुली हुई है, ये दूसरी बात ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये जारी रहा 2014 तक, यानी एक साल उसमें पीएम साहब पीएम भी थे जब ही वॉज फेसिलिटेटिंग ऑल दिस, और आमतौर पर उन्होंने कहा कि ये वीजे के लिए, यार ये अकामा, ये वहां से तनख्वाह, वहां नौकरी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम, मुस्लिम लीग जैसी बड़ी पार्टी का सरबराह, ये क्या जूत पड़ा है हमारे सर में? क्या खौफनाक सईद कादरी साहब, वो अल्लाह के वास्ते इस वक्त से पहले डूब मरने का मकाम है हमारे लिए ना, मैं मुझे ये आ गया। मैं तो आज डूबने लगा था जितना पानी है गलियों में, मगर मैं आता हूं, इस कम बैक टू दिस स्टोरी अगेन, और ये अभी भी ऐसी वादी देता। अच्छा इसमें ये है कि अच्छा वो सुने, वो कहते जी आज मैं एक साहब मिले उनको, हाँ। कि वो कहते ये मुझे ना आप लोग पता क्या कह रहे हैं, हाँ। मुझे मैसेज जो आ रहे हैं कि यार इसका व्हाट्सएप पे क्लिप हमें करके भेजे लोग, ये लोग कह रहे हैं भेजे हमें, मैं और बात कर रहा हूँ कि वो कहते मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मैंने कहा कौन इस्तीफा मांग रहा है उनसे, अपने जान को नवाज शरीफ एलिजिड एम्प्लॉयमेंट इन दुबई, एक दुबई की लॉ फर्म ने एक लीगल राय अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट को दी है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, और ये कहते हैं कि वेरीफाइंग दैट द एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स व्हिच इंप्लाई ही वाज एम्प्लॉयड बाई कैपिटल एफ जी जी इन जबर अल, आप मिलवाए ना जो हमें कहते हैं जी आप क्या प्रोपेगेंडे करते हैं। अच्छा इस पे एक और बात, हसन नवाज साहब को, हसन नवाज को, मियां नवाज शरीफ को, मरियम साहिबा को, उनका कोई बंदा आए और इस बात को खलीज टाइम ने जो लिखा है कि अकामा भी दुरुस्त, पैसे भी लेते रहे और बतौर वजीर आजम काम भी करते रहे, उन्होंने साथ अपनी लीगल, क्या करे, उन्होंने साथ अपनी लीगल ओपिनियन भी दी है, वो लीगल ओपिनियन दिया कि अ लीगल ओपिनियन फ्रॉम अ दुबई फर्म वेरीफाइंग द लीगैलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विल लीव नो रूम फॉर नवाज टू कंटेस्ट दिस इन कोर्ट। अब ये अब कोर्ट में इसको कंटेस्ट नहीं कर सकते कि हम पैसे इस तरह कर सकते हैं, यार कोर्ट में अब क्या करना, उनका कोई पैरा कोई सतर नहीं कर सकते।